पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे मन में विचार चल रहे थे, सोचा आज शेयर करता हूँ। ये है क्या? ये 16 जोन्स, 32 एंट्रेंसेस, ये एक ब्रह्मांड, ये है क्या? आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, ये एक चक्र खुला हुआ है ना? इसे वास्तु चक्र कहते हैं। इसमें अलग अलग देवता विराजमान हैं। आज कुछ राय इन्हीं देवताओं के बारे में और इन्हीं जोन्स के बारे में। अगर हम देखें तो बहुत आसान है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे नॉर्थ है ना, एक जोन जिससे मनी एंड अपॉर्चुनिटी आती है। हम कहें नए काम, नए अवसर आते हैं। उसी के आगे चलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा हेल्थ एंड इम्यूनिटी को गवर्न करता है, या कमाया हुआ जो धन हम नहीं बचा पाते, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी वही होता है ना, और हेल्थ भी वही होती है कि भाई अंदर में जो वॉरियर्स हैं वो फाइट करते रहें बाहर के बैक्टीरियाज के साथ। बस ऐसे ही कुछ संतुलन होता है। इसी के आगे और बढ़ जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है, जो कि क्लैरिटी का जोन है ना। जो भी सोच हमें आती है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। और आगे बढ़ जाते हैं, ईएनई का जोन आता है। ईएनई का जोन फन एंड क्रिएशन का जोन है, खुशियाँ घर के अंदर है ना, किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ जो हम इंजॉय कर पाएँ, किसी भी चीज़ को, पैसे को इंजॉय कर पाएँ, अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएँ, किसी भी चीज़ जिसका भी कनेक्शन है इंजॉयमेंट के साथ, वो ईएनई से जुड़ा हुआ है। इसी के आगे आ जाते हैं ईस्ट का जोन, सोशल कनेक्शन का जोन। और आगे आ जाते हैं ईएससी का जोन, चर्निंग का जोन, हमारे दिमाग में जो दिन भर चलता रहता है उसका जोन। एसी का जोन में आ जाते हैं साउथ ईस्ट का जोन, सबका फेवरेट जोन, कैश का जोन। और आगे आ जाते हैं साउथ साउथ ईस्ट का जोन, पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। हर इंसान जो अपनी आवाज़ उठाता है, अपने पैसे मांगने के लिए फ़ोन लगाता है, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है ना, जिसमें उसको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें साउथ साउथ ईस्ट गवर्न करता है। साउथ हमारे यश का जोन, हमारे नाम का जोन। हम को दुनिया कितना जानती है हमारे नाम से, हमारे काम से, ये जोन उसी प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। साउथ साउथ वेस्ट का जोन हमारे डिस्पोजल का जोन। अगर इसको कोरिलेशन और बनाया जाए तो हमारा जो पेट साफ होता है ना, हम जो खाना खाते हैं और जो पाचन क्रिया होती है उसके द्वारा जो हमारा मल त्याग करते हैं, ये जोन उससे भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। इसके अलावा हमने जो भी ज़िंदगी में कमाया है उसमें से भी जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाए और शुद्ध माल हम कहें ना बच जाए, वो भी साउथ साउथ वेस्ट से कनेक्टेड है। साउथ वेस्ट की बात करते हैं, संबंधों का जोन है ना। एक व्यापार में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ अच्छे संबंध बनाए, एक परिवार में परिवार के सदस्य सब सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते होंगे। तो साउथ वेस्ट का जोन, संबंधों का जोन का हमें उपयोग पड़ता है। एक सफल व्यापारी भी कब सफलता हासिल करता है? जब उसके लोग ये कहने लगे कि ये सफल हो गया। तो साउथ वेस्ट का जोन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन, वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन क्या है? एजुकेशन एंड सेविंग कही गई, इसके अलावा भी क्या है? आपके दिमाग में जो आप संभाल के रख सकते हो, वैसे ही अपने शरीर में जो आप संभाल के रख सकते हो, वैसे ही अपने घर में जो आप संभाल के रख सकते हो, तो सेविंग ही तो हुई। तो हर चीज़ जो भी हम सेव करते हैं वो इस जोन से कनेक्टेड है। वेस्ट का जोन, वेस्ट का जोन क्या है? प्रॉफिट एंड गेंस का जोन है, विश फुलफिलमेंट का जोन है, कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों यारों का जोन है, कहीं ना कहीं अगर इसे और एक्सप्लोर करें तो ये वो ऊर्जा शक्ति है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से देखते हैं। हालांकि ये कुछ देवताओं के इनपुट्स भी इसके साथ हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन, डिप्रेशन का जोन। हमारे दिमाग में वहीं जो ईएसई में हम कहें ना, ईस्ट साउथ ईस्ट में जो मंथन चलता रहता है, वो जब फ्रूटफुल नहीं होता तो इसका अपोजिट जोन वेस्ट साउथ वेस्ट वो एक्टिव हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा किसी चीज़ के पीछे आप बहुत दिनों से लगे रहते हो, है ना? क्यों लगे रहते हो? क्योंकि वो ईएससी का प्रॉपर्टी है कि हमें भिड़ के उस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ईएससी के जोन से जो हमने मंथन किया, अगर वो फ्रूटफुल नहीं होता तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट
सीधा ही ऊर्जा सामने, किसी भी जोन के सामने ऊर्जा आ जाती है, तो सीधा ही ऊर्जा सामने आ जाती है, डिप्रेशन का जोन बोला गया है, शोष ग्रह बोला गया है। शोष होता है ना, जब एक व्यक्ति थोड़ा उदास हो जाता है तो उसे कोई एकांत की जगह चाहिए जो अपनी उदासी को नॉर्मलाइज कर पाए, तो शोष ग्रह भी इसी जोन को बोला गया है। नॉर्थ वेस्ट का जोन, जो दोस्तों यारों से सपोर्ट मिलता है, जो व्यापारियों से सपोर्ट मिलता है, जो अपने रिश्तेदारों से सपोर्ट मिलता है, तो ये समझ लीजिए यही एक जोन है जिसके वजह से, जिसके माध्यम से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है किसी भी सफल व्यापारी को सफलता हासिल कराने के लिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन वैसे तो सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन बोला गया है। अब ये अट्रैक्शन किसके प्रति, किस चीज़ के प्रति आप अट्रैक्ट होते हो, जो आप खरीदना चाहते हो, है ना, जिससे आप मिलना चाहते हो, जिसके बारे में आप समझना चाहते हो, हर एक वो चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है वो इस जोन के साथ संबंध रखती है। वैसे ही व्यापार के दृष्टिकोण में ये जोन कैसे काम आता है, जब एक व्यापारी अपना सामान बेचने की कोशिश करता है, वो दूसरों को पसंद आना चाहिए, उसके प्रति एक आकर्षण बना रहना चाहिए, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जोन के साथ अट्रैक्ट होती है, अटैच होती है, या इससे संबंध रखती है। चलिए आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये देखा बहुत सारे उपचार करने के बाद भी, बहुत सारे लोगों से हम सलाह भी लेते हैं उसके बाद भी, कुछ तो ऐसा है जो ज़िंदगी में हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। आज उसी विषय पे इसका सबसे मेजर डिस्कशन है। 16 जोन्स की प्रॉपर्टी मैंने बताने की कोशिश करी, अब मेन इस मुद्दे पे आते हैं कि कैसे इसमें सफलता हासिल की जा सकती है। मैंने यहाँ देखिए कुछ कलर्स मार्क करके रखे हैं, कुछ देवता मैं अपनी तरफ से आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज आपको 4 देवता फील्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, उसी से कनेक्टेड 4 वर्चुअल एंट्रीज के बारे में भी बताता हूँ। 4 देवता फील्ड में पहला देवता फील्ड जो कि नॉर्थ की तरफ है, बुधर। बुधर है हमारा टास्क मास्टर। कोई भी काम एक व्यापारी जब करते रहता है और उसको निरंतरन रूप से करता रहता है ना, लगातार करता रहता है और उसका इंटरेस्ट बना रहता है, तो वो बुधर की प्रॉपर्टी है। आप घर के अंदर भी देखें तो एक बच्चा जो लगातार पढ़ाई करता रहता है, कंटिन्यूस स्कूल जाता रहता है, कोई भी काम जो कंटिन्यूशन में किया जाता है वो बुधर से कनेक्टेड है। वैसे ही आर्यमा अगर हम बात करें तो आपका जो मेल जोल बढ़ाता है जगत के साथ, है ना, आपके कनेक्ट्स को और एक्सप्लोर कराता है। इसके अलावा दुकानों में जो फुटफॉल जनरेट कराता है वो आर्यमा है। मित्र अगर हम कहें तो जो दोस्त यार मंडली है, जो विश फुलफिलमेंट की बातें हैं, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके लिए खड़ा है ना, बिना किसी स्वार्थ के, तो वो मित्र की प्रॉपर्टी है। वैसी ही विवास्वान, इस सारी चीज़ों को जब आप हासिल कर लेते हो तो एक रिलैक्सेशन की सांस लेते हो ना, है ना, एक ऐसा अनुभव करते हो कि हाँ मज़ा आ गया, आज का दिन सफल हो गया, है ना। और हम इसे और ज़्यादा कनेक्ट करें तो एक चैन की नींद भी हम कहें तो विवास्वान इस प्रॉपर्टी के वजह से, इस देवता फील्ड के वजह से। ये सारे देवता फील्ड देखा जाए ना तो एक मनोभाव है जो इंसान के मस्तिष्क में दिन भर चलते रहते हैं। हो सकता है कोई मनोभाव तेज हो जाता है, होता है ना, कई बार दोस्तों यारों के साथ ही हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, या कई बार शादियों में, समारोहों में, लोगों के साथ मिलने जुलने में ही सारा समय बिता देते हैं, और कई बार हम दिन भर अपना काम ही करते रहते हैं, या कई बार हम दिन भर एक रिलैक्सिंग मूड में रहते हैं। तो ये 4 देवता फील्ड्स हैं इस मनोभाव को क्रिएट करने के लिए। 4 हम कहें खुशी के लिए, हम कहते हैं ना 4 ही सोर्सेज हैं खुशी के लिए, तो ये 4 सोर्सेज हैं जो हमें खुश करते हैं, है ना। जब आप किसी काम को कर लेते हो तो एक खुशी का अनुभव होता है, उस काम को करने के बाद कुछ लोग रिगार्ड देते हैं तो एक खुशी का अनुभव होता है, वो रिगार्ड विवास्वान से आता है, वो कार्य कंप्लीट किया जाता है बुधर से। आर्यमा, जब वो कार्य को लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, है ना, और जगत के साथ आपको जोड़ते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये काम आपने किया है, तो ये आर्यमा का एक भाव है। मित्र, आगे बढ़ के कोई आदमी आपके लिए, है ना, उसी चीज़ को और आगे बढ़ा दे, और फैला दे, और लोगों तक पहुंचा दे, तो मित्र का भाव है। हम दोस्ती यारी भी उसी के साथ रखते हैं, हमारा दोस्त भी वही बनता है जो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से करता है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में दोस्त कम है, तो एक मित्र का भाव हम कहें कि
वातावरण में हल्का सा या तो कहें डेविएट हो गया है या कम हो गया है। चलिए आज बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लंबा ना खींचते हुए आज मैं आपको ना एक प्रैक्टिकली एडवांस रेमिडीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी बार बताई हैं इन रेमिडीज़ के बारे में, इनको बनाने के तरीके भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, काफ़ी वीडियोज़ में इसको कैसे बनाया जाता है वो भी बताया। मैं आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को अपने वातावरण को संतुलन में लाना है तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इस पे ना जाते हुए अगर हम इस चार प्रॉपर्टीज़ को ही, चार प्रॉपर्टीज़, ये चार मनोभाव, ये जो सेंटर के चार मनोभाव हैं, भूधर, आर्यमा, विवास्वन और मित्र, इसी को अगर हम घर में इंस्टॉल करा लेते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए इसमें और वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ एक आज जो मैं नई बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मनोभाव कई बार प्रॉपर्टीज़ में क्लॉकवाइज हो जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। तो मैंने इन्हीं के कुछ स्प्रिंग्स मेटल्स में ही बनवा दिए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे बुधर का कलर लाल है, मैंने नॉर्थ के बुधर के कलर को लाल किया है ना, तो मैंने उसके लिए एक लाल कलर की कॉपर की स्प्रिंग्स ही बना दी है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कलर लाल क्यों है, आर्यमा ब्लू क्यों है, मित्र वाइट क्यों है या विवास्वान ग्रीन क्यों है, ये प्रश्न अभी ना पूछें। अब ये 45 शक्तियों का जो कोर्स हो रहा है उसमें आप ये समझ सकते हैं। तो मैंने ये कुछ स्प्रिंग्स बनाए, ये चार स्प्रिंग्स और ये एक देवता का सेट, अगर 1000 स्क्वायर फिट का घर आपका है तो ये 1000 स्क्वायर फिट का कॉम्बिनेशन बनता है। एक एनर्जी फील्ड को इंक्रीज करने के लिए एक सेट देवता का 1000 स्क्वायर फिट पे और चार स्प्रिंग का एक सेट अगर आप लगाते हैं तो आप यकीन माने या समझें इस बात को कि जो भावना मैंने आपको व्यक्त करी वो बढ़ने लग जाती है। एक वातावरण को संतुलित करने के लिए ये भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलता, है ना, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दोस्त यारों को महत्व नहीं देता, ऐसा भी नहीं है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी फुलफिलमेंट्स को एंजॉय नहीं करता, ऐसा भी कोई नहीं। पर क्या आप अपने अंदर ऐसी कोई बातों को महसूस कर रहे हैं क्या, ऐसा समझिएगा, अपने अंतर मन में झांक के समझिएगा। तो इन चार देवताओं का अलाइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझ पा रहा हूँ एक ही मनोभाव अगर कम है तो उस देवता पे ही इंजेक्शन लगाने से क्या वो मनोभाव बढ़ जाता है, ये भी एक प्रश्न आता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पर समझने की बात यह है कि जब भी हम एक एनर्जी को जब बढ़ाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज अगर नहीं बढ़ी हो, कम से कम आमने और सामने की जो एनर्जीज हैं अगर वो ना बढ़ा हो, तो फिर उस एनर्जी फील्ड का कोई रिएक्शंस नहीं आते वातावरण से। तो या तो आमने सामने का लगाइए जिसमें आप देवता का उपयोग कर सकते हैं, स्प्रिंग्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर चारों लगाइए। चारों मैं कहता हूँ एक वातावरण के सिंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसी के साथ मैंने चार वर्चुअल एंट्रीज भी बना दी है, इसी में मैंने कुछ कलर्स भी डाले हैं, उन कलर्स के मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। जैसे अगर आप ये W4 का एक मेटल पीस आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, तो W4 का मैंने रेड कलर दिया है, वैसे ही इसमें दो कॉपर के और एक उसका एक ऐसा एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा काम आता है वो मिडल में डालने का मैं सजेशन देता हूँ। वैसे ही नॉर्थ पे अगर आप N4 पे ब्लू देख रहे हैं तो दो एल्युमिनियम के और एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वैसे ही E4 पे अगर आप ग्रीन देख रहे हैं तो दो SS के और एक उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वैसे ही S4 में अगर आप येलो देख रहे हैं तो दो ब्रास के और एक उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये मैंने वर्चुअल एंट्री खोलने की एक नई टेक्निक जो कि बहुत सक्सेसफुल है ये मैंने बनाई थी, काफ़ी बार मैंने इनके अनुभव लिए, बहुत अच्छे अनुभव हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एनर्जी फील्ड्स हैं ये मनोभाव हैं, ये काम तो बहुत अच्छे करते हैं, पर ये काम कितने करते हैं ये डिपेंड करता है जातक की सोच का। जैसे एक व्यापारी है, वो सोचता है कि मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊँ, तो अब वो अपने सोच के दायरे में है ना। वैसी एक व्यापारी है, वो कहता है मैं अपने प्रदेश का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊं, और एक व्यापारी है वो कहता है मैं देश का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊं। ये जो सोच है ये उस व्यापारी की सोच है, ये एनर्जी फील्ड्स उस सोच को मैनिफेस्ट करा सकती है। उस सोच के लिए उस व्यापारी ने बहुत सारे लोग भी रखे होंगे मैं समझता हूँ, पर कई बार अड़चने आती हैं, फैलावट नहीं मिलती। जैसे मेरी सोच है, एक बात की बात है कि इसे मैं पूरे देश में फैलाऊं और घर घर मैं इन एनर्जी फील्ड्स को ऐसा कुछ बना दूं ताकि लोग खुद ही अपने हाथ से लगा लें, किसी
कंसेंटेंट की आवश्यकता ना पड़े, किसी से फोन लगा के बात करने की आवश्यकता ना पड़े। एक ऑटोकैड का नक्शा बनाया, उस पर ये ग्रिड किया। अभी ग्रिडिंग में अगर किसी को परेशानी आएगी तो हम मदद कर देंगे, हम एनर्जी फील्ड्स को निकालने में उनकी मदद कर देंगे। और कुछ वीडियोस डू इट योरसेल्फ के मैं बना दिया हूँ पहले, तो उसे लगा लीजिए घर पे जाके। ऐसा तो ये मेरी सोच है, ये मेरे सोच का दायरा है। मैं हिंदुस्तान के बाहर जाना नहीं चाहता, तो मेरे सोच का दायरा है, मैं हिंदुस्तान में ही इस काम को करना चाहता हूँ। तो हर किसी के सोच का एक दायरा होता है। अगर आपको लगता है आप अपने सोच में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई प्रश्न भी है तो उसी नंबर पर बात करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मेरी वही बात, राजा बनना है। फिर मिलते हैं।